हेलो फ्रेंड, ये मारुति की सेलेरियो गाड़ी है। इसका जो है अपन क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये क्लच प्लेट है। तो ये क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए अपने को ये फ्रेम वगैरह निकालना है और ये फ्लाईव्हील का बेयरिंग चेंज कर रहे हैं। फ्लाईव्हील नहीं चेंज कर रहे, अरे आप देख सकते हैं इसको बोल्ट जो है, ये आप बोल्ट देख सकते हैं। तो ये एक बोल्ट स्टार्टर का है और यहाँ पे एक स्टार्टर का बोल्ट है। तो ये बोल्ट खोलने के लिए अपने को ये फ्रेम निकालना पड़ता। तो राउंडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, ये दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ बोल्ट राउंडिंग के हैं। और ये बाकी फाउंडेशन खोलना है अपने को। जैसे कि फ्रेंड आप नीचे की ओर देख सकते हैं ये अपना स्टार्टर का जो बोल्ट है, तो अपने को यहाँ पे लंबा डिस्टन और यूनिवर्सल और दो लंबे डिस्टन, एक 14 का बॉक्स यूनिवर्सल जॉइंट और लंबे डिस्टन लगा के ट्राई करना पड़ता है ऐसे खुलता है या नहीं। तो मुझे इसके बूश वगैरह पूरा चेंज करना था, इसलिए मैं ये फ्रेम निकाल दूँ, वरना ये ऊपर के ऊपर भी ट्राई करके खुल जाता है। और ये अपन ये फाउंडेशन वगैरह ये पूरा निकाल दिए थे, तो अभी अपन इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी मैं इसको लगा के बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड ये अपन फ्लाईव्हील का बेयरिंग चेंज कर दिए। तो फ्रेंड ये क्लच का बेयरिंग भी अपन चेंज कर दें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये फ्लाईव्हील बेयरिंग का प्राइस है 140 रुपये और ये क्लच बेयरिंग का प्राइस है 605 रुपये। और ये अपने पास क्लच सेट है ओरिजिनल में MGP, तो इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं 2100 रुपये। और ये अपन इसका क्लच का केबल भी चेंज कर दें, तो क्लच का प्राइस है, क्लच केबल का प्राइस है 385 रुपीज़। तो अभी मैं क्लच सेट इंस्टॉल करके बता देता हूँ आपको। तो ये अपना क्लच सेट भी फाइनल फिटिंग हो गए और ये अपन यहाँ पे लॉक लगाए थे ये, तो अभी अपन ये लॉक निकाल देंगे और गियर बॉक्स लगा देंगे अभी। तो ये अपना पूरा गियर बॉक्स बैठ गया है और ये अपने बोल्ट भी फाइनल टाइट हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार्टर का है, पीछे की ओर है और ये मेन है इंजन से, और यहाँ के दो, ये दो और इस साइड के दो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के एक दो तीन चार पाँच छः बोल्ट टाइट कर दिए अपन फाइनल। ऊपर के तीन राउंडिंग टाइट हो रहे जो एक स्टार्टर का है और दो राउंड के है, और इधर का फाउंडेशन भी अपन लगा दिए। तो अभी ये फाइनल हो रहा है अपना, तो अभी मैं फाइनल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ का भी मेन फाउंडेशन लगा देंगे अपन, ये यहाँ का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन लगा के फ्रेम लगा के बता देता हूँ मैं आपको। तो इसको यहाँ पे ऐसा लॉक लगा के ये पूरे बोल्ट टाइट हो गए अपने पूरे रेडी। अपना फाउंडेशन भी कंप्लीट हो गए और अभी अपन ये ड्राई शॉप भी लगा दिए, तो अभी अपन ये नीचे का फ्रेम लगा देंगे, बाकी सब फाइनल हो गए अपना। तो फ्रेंड अपन ये बूश वगैरह चेंज कर दी और एंड वगैरह डाल दी, तो अभी अपन ये फ्रेम लगा देंगे। तो फ्रेंड ये अपने पास गाड़ी का ऑयल है, गियर ऑयल है, तो ये पुराने में गियर ऑयल डाल रहे हैं अपन। ये डब्बे में बताओ ऑयल अच्छा है। तो फ्रेंड ये अपना पूरा फिटिंग हो गया, तो क्लच वगैरह पूरा, गियर ऑयल वगैरह पूरा हो गया। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। तो ये अपना गाड़ी स्टार्ट,
तो ये अपना क्लच एकदम ओके हो गया है गाड़ी का।